राजस्थान में कांग्रेस क्यों हारी, गहलोत की सत्ता कैसे गई, इसकी वजहों का दावा कई सारे दावा खुद अशोक गहलोत के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर तैनात लोकेश शर्मा ने किया। आइए दिखाते हैं आपको न्यूज 18 इंडिया से लोकेश शर्मा की एक्सक्लूसिव बातचीत। लोकेश जी, इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जहां तक जिम्मेदारी की बात है, मैंने कल शाम को एक खुला पत्र पोस्ट के रूप में लिखा कि जो फीडबैक दिए जा चुके थे अगर उन पे काम किया जाता तो ये स्थितियाँ नहीं बनती, ये परिणाम नहीं आते। मैंने लगभग 6 महीने पहले ये सारी स्थितियाँ मुख्यमंत्री जी को बता दी थी, क्योंकि जो फील्ड में हम लोग गए और हमने जो वहाँ से रिपोर्ट्स और उनके फीडबैक कलेक्ट किए, उनके आधार पर हमने जो तैयारी की और बताया कि इस तरीके से पर्टिकुलर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी है और वो स्थानीय विधायक के खिलाफ है, अगर ये चेहरे बदल दिए जाते हैं या इनके टिकट काट दिए जाते हैं, नए लोगों को टिकट दिया जाता है, नए चेहरों को टिकट दिया जाता है, तो जीत हमारी सुनिश्चित है। तो मुझे लगता है कि ये नहीं कर पाना ही सबसे बड़ी हार का कारण है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ट्वीट किया कि अशोक गहलोत ने फरेब किया हाईकमान के खिलाफ। क्या फरेब था वो? फरेब यही था कि आखिर तक वो यही कहते रहे कि मैं सरकार रिपीट करवा लाऊंगा, हर हाल में रिपीट करवा लाऊंगा, मुझे फ्री हैंड दिया जाए और मैं जिसको चाहूं उसे ही टिकट दिया जाए। तो यही फरेब था ना, अंधेरे में रखा कि सरकार मैं बना के लाऊंगा वापस, लेकिन जो वास्तविक स्थिति थी ग्राउंड पे वो ऐसी नहीं थी। जो चेहरे बदले जाने चाहिए थे उन्हें अगर बदल दिया जाता तो निश्चित तौर पर हम सरकार में वापसी कर पाते। लोकेश शर्मा का ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जब आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड माने जाते हैं किसी बड़े नेता के साथ, तभी आप ओएसडी लगते हैं। और खास मुख्यमंत्री के ओएसडी का ये कहना कि अशोक गहलोत ने फरेब किया हाईकमान के साथ, बहुत बड़ी बात है। अब वहीं ये जो हैट्रिक लगा है, इसे बीजेपी की बहुत बड़ी जीत भी कहा जा रहा है। अब इसके पीछे एक और मुद्दा है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि 3 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह से घेर लिया। कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि कब उसका खेल खत्म हो गया। और ये मुद्दा था और है सनातन का, हिंदुत्व का, और इसे लेकर बीजेपी ऐसी हमलावर हुई कि कांग्रेस को अपनी हार की कानो कान खबर तक नहीं हुई। ग्राउंड पर एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंट है कि सनातन विरोधी का हम साथ नहीं देंगे।